नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं वो हैं, ये लिखते हैं, जय माँ गायत्री। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है। मैं दिलीप कुमार है, ये इनका नाम है दिलीप, गांव गुलियाना, डिस्ट्रिक्ट मंदसौर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है कि मैं पहले नित्य प्रातः ब्रह्मकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य 3 माला गायत्री माँ के नाम से जाप करता था। समय के अनुसार 1 महीने बाद मैंने 5 माला नित्य जाप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, मेरा कहना यह है कि मेरे मन में अजीब से विचार प्रकट होते हैं, नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है और अब चिड़चिड़ापन भी महसूस करता हूँ। गुरुजी, मैंने आपके द्वारा आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के नेतृत्व में पंडित आचार्य श्रीराम शर्मा जी को मैंने अपना आध्यात्मिक गुरु माना है और गुरु दीक्षा ली है। गुरुजी, मेरा प्रश्न आया है कि मैं जो भी सोचता हूँ उसका उल्टा ही होता है। पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, मुझे नौकरी की तलाश है, सारे काम सही से नहीं हो रहे हैं। गुरुजी, मुझे मार्गदर्शन कीजिए और मैं क्या करूँ कि माँ गायत्री वेद माता दयालु माँ के दर्शन हों और गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी मेरे इन विचारों पर एक वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाएंगे और मार्गदर्शन देंगे। मित्रों, मैंने एक कहानी सुनी है कि एक शहर में एक नई दुकान खुली, वहां पर बोर्ड लगा हुआ था कि जिसे स्त्री की चाय हो, यानी जो शादी करना चाहता हो, वो यहाँ आकर के अपने मन पसंद की स्त्री का चयन कर सकता है। एक युवक उस दुकान के अंदर गया, जैसे उसने पहला दरवाजा खोला तो हाँ, उसको 2 दरवाजे मिले। एक दरवाजे पर लिखा था कम उम्र वाली और दूसरे पर लिखा था अधिक उम्र वाली। उसने पहले दरवाजे का चयन किया। जैसे वो वहाँ पर गया तो वहाँ उसे किसी प्रकार की कोई भी युवती नहीं मिली। फिर 2 दरवाजे मिले, एक में लिखा था सुंदर और एक में लिखा था साधारण। उसने सुंदर वाले दरवाजे का चयन किया। फिर जैसे वहाँ गया, वहाँ उसे किसी कोई चीज़ की कोई कुछ नहीं मिला। फिर वहाँ पर वो देखता है 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर लिखा हुआ है खाना बनाने वाली, दूसरे पर लिखा खाना नहीं बनाने वाली। तो उसने पहले दरवाजे का फिर चयन किया। आप भी वही करते जो उसने किया। फिर उसके पश्चात जैसी जाता तो फिर 2 दरवाजे मिलते हैं, एक दरवाजे पर लिखा हुआ है गाना वाली, दूसरे पर लिखा है बगैर गाना वाली। फिर उसने पहले दरवाजे का चयन किया, फिर वहां पर 2 दरवाजे मिले, एक दरवाजे पर उसने फिर पहले दरवाजे का चयन किया। सही गणित से चल रहा था, बिल्कुल सही गणित पर, जहाँ जहाँ उसको 2 पहला दरवाजा खोलना चाहिए उसी दरवाजे को खोलते हुए। अंत में जैसे वो पहुँचता है तो हाँ, एक दर्पण लगा हुआ था, उसमें लिखा था कि आप बहुत ज़्यादा
गुणों के इच्छुक हैं, यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा चाह है, समय आ गया है कि एक बार आप अपना चेहरा दर्पण में देखें। हर व्यक्ति की इतनी ज़्यादा चाह होती, चाह चाह चाह, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये करना, मुझे वो चीज़ मिल जाए, तो कभी व्यक्ति अपने दर्पण में अपने चेहरे को कभी नहीं देखता है, सिर्फ चाह। जिस प्रकार से उस युवक ने, आप भी होते तो आप भी पहले दरवाजे का चयन करते, अपने से कम उम्र की लड़की आप चाहते, सुंदर युवती आप चाहते, खाना बनाने वाली आप चाहते, गाना गाने वाली आप चाहते, दहेज लाने वाली आप भी चाहते। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति की अनंत चाह है, और उन अनंत चाह में हम ऐसे भ्रमित हो गए हैं कि हमें जहां कुछ भी जो चीज दिखता है उसको हम पकड़ लेते हैं, हर दरवाजे को हम टटोलते हैं, लेकिन खाली हाथ रहते हैं। जब भी हम आगे बढ़ते हैं दो दरवाजे मिलते हैं, एक आस, फिर आस के आगे हम फिर चलते हैं, फिर दो दरवाजे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से दरवाजों का कभी अंत नहीं होता है, और व्यक्ति भटकते हुए चला जाता है, और हर व्यक्ति अपने चेहरे को भूल गया है। जिस दिन व्यक्ति अपने चेहरे को समझ लेगा, जिस दिन अपने चेहरे को पहचान जाएगा, उस दिन सारी चाह गिर जाती है, और फिर उस दिन वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनका वो अधिकारी है। वो चीज़ें मिल जाती जो उसने कभी चाही भी नहीं थी, और वो चीज़ें भी मिल जाती हैं जो उसने चाही थी, लेकिन वो कम मिलती हैं जब वो अपने चेहरे को मिटा देता है। तो इतनी ज़्यादा चाह है, कभी चेहरे को देखें हम अपने आप को, हर व्यक्ति की चाह रहती है। इनका प्रश्न है कि मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ तो मेरे लिए आजकल चिड़चिड़ापन आने लगता है और कई प्रकार के विचार आते हैं। मित्रों, आप जब पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो आपका कभी सिर दर्द नहीं करता। आपके घर में कोई अच्छा सीरियल चल रहा, आप जब उसको देखते हैं तो आपको भूख भी लगी रहती है, तो आपको याद नहीं रहता कि हमें भूख लगी है। कोई बहुत पुराना मित्र यदि आपके घर में आ गया और आप भोजन करने के लिए जा रहे थे, आपको बहुत जोर से भूख लगी थी, लेकिन जैसे वो मित्र आता है आप भूल जाते हैं, दो दो तीन तीन घंटे तक आप उससे बातचीत करते रहते हैं। लेकिन ये बड़ी विडंबना है हमारी कि जब भी हम किसी मंत्र का जाप करते, जब भी हम भगवान के पास बैठते हैं, तो किसी को गलत विचार आते हैं, किसी का सिर दर्द करने लगता है, किसी का पेट गड़बड़ होने लगता है, किसी को चिड़चिड़ाहटपन आने लगता है। इसका कारण क्या है? हमारी चाह। यदि आपने किसी एक बड़े जिसके पास में काफी पैसा है, ऐसे व्यक्ति से यदि आपने दोस्ती कर ली, तो जब तक आपको उसकी उम्मीद है कि इस व्यक्ति से हमें कुछ रुपए मिल जाएगा, तब तक वो जब तक आपके पास में बैठा रहेगा आपको किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप उससे डिमांड करेंगे और यदि वो आपकी डिमांड को नकार देता है, तो फिर आपके अंदर झुंझलाहट आ जाएगी, आपके अंदर एक प्रकार का जो है क्रोध आ जाएगा, फिर वो उस व्यक्ति का आप चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। कल तक जो व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लग रहा था, वो अब आपको बहुत बुरा लगने लगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो चाह थी वो पूरा ही नहीं कर सका, उसने पूरी नहीं की। तो इसी प्रकार से जब हम किसी ईश्वर की आराधना करते हैं, जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, हमारी चाह बहुत होती है। बहुत सारे दरवाजे हैं, नौकरी का दरवाजा, पत्नी का दरवाजा, बच्चों का दरवाजा, धन दौलत का दरवाजा, मकान का दरवाजा, ऐसो आराम के दरवाजे, कितने दरवाजे हैं। लेकिन जब भी हम दरवाजों को खोलते हैं, वहां पर कुछ भी नहीं मिलता हमें, खाली की खाली। तो ये स्थिति क्यों आती है? क्योंकि हमारी चाह रहती है, और जब तक आप चाह करेंगे तब तक आप जब भी साधना में बैठेंगे, आपका कभी सिर दर्द करेगा, कभी आपको बुरे विचार आएंगे, कभी आपके अंदर झुंझलाहट आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपको पता है कि ये सब करने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर आपके अंदर झुंझलाहट आती कि मैं कहां से कहां फंस गया। हम अभी के आपको लेटेस्ट अनुभव आपको बताते हैं। कितने सारे लोगों ने
गायत्री मंत्र गुरु जी से दीक्षा ली हमारे माध्यम से। गुरु दीक्षा देते समय हमने उन्हें कुछ संकल्प लगाए कि भाई जब आपने गुरु दीक्षा ले ली आचार्य पंडित श्री राम शर्मा से तो गुरु दक्षिणा में आप क्या देंगे? आप एक बुराई का परित्याग करें, एक अच्छाई को आप ग्रहण करें और वर्ष में एक बार कम से कम अपनी धनराशि का कुछ हिस्सा आप शांति कुंज हरिद्वार भेजें और आप जो भी कमाते हैं उसका एक अंश जो है आपको अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। लेकिन आज तक इतने सारे लोग दीक्षा ले चुके हैं, किसी भी व्यक्ति ने हमें आज तक ये नहीं बताया कि हमने कौन सा संकल्प लिया था, हमने गुरु जी को कुछ भेंट स्वरूप कुछ दिया कि नहीं दिया। नहीं, सिर्फ मांग, हमारी चाह है, हमारी चाह है। हमने आचार्य पंडित श्री राम शर्मा का अपना गुरु बना लिया और आराम से बैठ गए कि अब सारा काम वो करेंगे क्योंकि हमने उनसे दीक्षा ले ली। उसके पश्चात में दूसरी बात हम उनको बोलते हैं कि जिसने आपको दीक्षा दिलाई है उसके लिए आप क्या देंगे? तो हम उनको बोलते हैं कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, गायत्री से संबंधित किसी भी चीज का। जब हम पूज्य गुरुदेव से आपको दीक्षा दिलाते हैं हमें किसी प्रकार की कोई भी राशि नहीं चाहिए। हम कोई राशि नहीं लेते, ना ही कोई गायत्री परिवार का व्यक्ति आता वो आपसे कभी राशि मांगेगा। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम सिर्फ जो गायत्री से संबंधित, माँ गायत्री से संबंधित जो भी वीडियो डालते हैं उन्हें आप अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें कि आपको दीक्षा लेने के पश्चात में आपको क्या अनुभूति हुई। लेकिन आज तक मित्रों किसी भी व्यक्ति ने उस संकल्प को पूरा नहीं किया। हो सकता है एक दो लोगों के अलावा 500 लोगों में से आज तक किसी भी व्यक्ति ने उसमें कोई कमेंट्स नहीं दिया। इतनी कृपणता और चाह बहुत है आपके अंदर, इतनी कृपणता है कि आप एक कमेंट्स नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है कि हम कमेंट्स कर देंगे तो आचार्य जी का चैनल और ज्यादा ग्रो कर जाएगा, आपको ऐसा लगता है कि शायद हम गुरु के पालनहार बन गए हैं, तो कैसे कोई चीज की प्राप्ति होगी? कभी प्राप्ति नहीं हो सकती आपको। जब तक आपके अंदर की चाह नहीं गिरेगी, चाह तो अनंत होती है। आप एक नाव पर बैठे हुए हैं और आप यदि नाव चलाने वाले केवट को बार बार यदि आप डिस्टर्ब करेंगे कि यहां से नहीं यहां से ले चलो, यहां से नहीं यहां से ले चलो, तो वो आपको या तो अन्यत्र कहीं ऐसी जगह ले जाएगा जो आपका किनारा नहीं था या फिर आपको डुबा देगा। जब आप पूज्य गुरुदेव की नाव पर बैठ गए तो फिर आपको भरोसा रखना चाहिए कि वो आपको भाव सागर के पार जरूर उतार देंगे। लेकिन नहीं, जो भी व्यक्ति बोलता है कि पूजा करते समय हमारा मन नहीं लगता है या हमारा सिरदर्द होता है या हमें झुंझलाहट आती है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसकी चाह बहुत है। और जिस व्यक्ति की चाह होगी और जिस व्यक्ति की आकांक्षाएं बहुत होंगी, जिस व्यक्ति की वासनाएं बहुत होंगी, वो व्यक्ति की जब चीजें पूरी नहीं होंगी तो फिर निश्चित रूप से उसे झुंझलाहट आती। कोई भी जब हम कार्य करते हैं जिस काम को करने में हमें आनंद आता है तो उस काम में आपको कभी भी थकान नहीं महसूस होगी। लेकिन जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा है तो आपको जो है कहीं सिर खुजलाने लगेगा, कहीं आपका सिर दर्द करने लगेगा, कहीं आपकी आंख दर्द करने लगेगी, कहीं आपको नींद आने लगेगी, तो सारी घटनाएं घटने लगती हैं। तो ये मान करके चलें कि जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और आपके अंदर यदि इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं कि आपका सिर खुजल रहा है, आपका सिर दर्द कर रहा है, आपको झुंझलाहट आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी आकांक्षाएं बहुत हैं, आप ईश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं और जब वो चीजें पूरी नहीं होती हैं तो फिर आपको झुंझलाहट आती है। इच्छाएं किसी की भी पूरी नहीं होती है। आप हमारी वीडियो सुने, उसमें हमने अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ चीजों के बारे में बताया कि हम क्या बनना चाह रहे थे, क्या बने और आज क्या है। तो जो चीज हम बनना चाह रहे थे वो नहीं बन पाए, ईश्वर यही चाहता था, ईश्वर कुछ और कराना चाहता था। तो जब हमने अपनी जीवन की पतवार को उसकी नाव पर डाल दिया कि तुझको जहां ले जाना वहां ले जा, तो जहां ले जाता हम जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं रहता है।
इसलिए जब भी हम साधना में बैठते हैं हमारा कभी सिर दर्द नहीं करता, हमें कभी झुंझलाहट नहीं आती, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि हमें समय का ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि हम कभी माला पर ध्यान नहीं देते कि हमारी कितनी माला हो गई। तो झुंझलाहट व्यक्ति की तभी आती है, व्यक्ति के अंदर गलत विचार तभी आते हैं जब वो चीजों को चाहता है और वो चीजें उसको प्राप्त नहीं हो पाती है। कल्पना करो यदि आपको कोई चीज प्राप्त हो जाए तब भी आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। एक कहानी मैंने सुनी है कि एक व्यक्ति ने भगवान शिव की बहुत आराधना की, भगवान शिव उसकी आराधना से प्रसन्न हुए, उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरी दृष्टि जहां तक जाती है वो सारा राज्य मेरा हो जाए। भगवान शिव ने बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा। वो व्यक्ति दौड़ा और उसकी चाह इतनी थी कि मैं पूरे संसार को जो है देख लूं, ताकि पूरे संसार का मैं मालिक बन जाऊं, पूरे संसार को अपने कब्जे में कर लूं। दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया और अंत में क्या हुआ, एक दिन थक हार करके गिर गया और वहीं पर मर गया। क्या मिला उसको? सिर्फ 6 फुट की जमीन। आशाएं, हमें अनेक दरवाजे मिलते जाते और नई नई आशाएं हमारे अंदर आती जाती है, नए नए हमारे अंदर विचार आते जाते, नई नई आशाएं हमको बनते हुए चली जाती है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप चाह छोड़ देंगे, जिस दिन आपके अंदर विचार शून्य हो जाएंगे, उस दिन आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप कभी, जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मित्रों, ये सब चीजें हम इसलिए आपको बताते हैं कि हमने जीवन में जो चाहा वो नहीं मिला, लेकिन जो ईश्वर दे रहा है वो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो सब चीजें दे देता है। जिसकी हमने कभी भविष्य में कल्पना नहीं की थी वो चीजें हमें प्राप्त हो रही है, ये उसका प्रभाव है। तो जिस दिन आप अपने आप को मिटा देंगे, जिस दिन आप समर्पित भाव से मां गायत्री के समीप बैठेंगे, उस दिन आपका ना तो कभी सिर दर्द करेगा, ना आपको झुंझलाहट आएगी, आपकी नौकरी नहीं लग रही है। आप उसके ऊपर छोड़कर तो देखें, एक बार विश्वास करके तो देखें, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कोई चीज फलित नहीं होती है। उसके लिए आपको उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अब आप ये सोचें कि आचार्य गिरीश वारोलिया ने, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा से हमारी हमको गुरु दीक्षा दिला दी, अब हमारे सारे काम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रयास करना पड़ता है, आपको माँ के पास बैठना पड़ेगा, आपको अपने वासनाओं को त्यागना पड़ेगा। आप एक बार उसके ऊपर छोड़कर तो देखिए, आप उसकी नाव पर बैठकर तो देखिए, तो आप पाएंगे कि आपको सारी चीजें उपलब्ध होंगी। और जब तक आप चाह रखेंगे तब तक आपको 2 दरवाजे मिलते हुए चले जाएंगे, और उन दोनों दरवाजों में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके हाथ खाली ही रहेंगे। इसलिए जिस व्यक्ति ने दर्पण में अपना चेहरा देख लिया, उसकी सारी चाह खत्म हो जाती है, सारी चीजें मिट जाती हैं। अपनी चाह को खत्म करें, निश्चित रूप से आपकी झुंझलाहट दूर होगी, आपकी मानसिक परेशानी दूर होगी। एक बार पूज्य गुरुदेव के ऊपर छोड़कर तो देखिए, लेकिन हमारी कृपणता तो देखिए, इतनी ज्यादा कृपणता है कि एक कमेंट्स लिखने में हमें तकलीफ होती, 500 लोगों में से एक व्यक्ति ने कमेंट्स नहीं किया। अब इसके पश्चात एक और आपको बड़ी बात बताते हैं, जैसे 20-25 लोगों को एक साथ जूम ऐप के माध्यम से जब हम दीक्षा दिलाते हैं, तो हम उनको ये बोलते हैं कि भाई आप जो है व्हाट्सएप पर ये लिख करके भेज दें कि आपको दीक्षा मिल गई है और आपको कैसा लगा। उसमें भी लोगों को कृपणता होती है, वो भी लोग नहीं भेजते, सिर्फ वही लोगों का आता है जिनकी, जिनको या तो सुना ही नहीं पड़ा या जिनकी दीक्षा पूर्ण रूप से नहीं हो पाई, वो सही तरीके से नहीं सुन पाए, तो वो फिर एक उलाहना देते, गुरुजी हम तो सुन ही नहीं पाए, हम तो दीक्षा पूरी नहीं ले पाए। तब फिर हम उनको बोलते ठीक है आपको अलग से दीक्षा दिला देंगे, फिर हम उनको अलग से दीक्षा दिलाते, लेकिन इसके पश्चात भी धन्यवाद के 2 शब्द लिखने में उन्हें कृपणता होती। तो जब आप अपने जीवन में इतनी कृपणता रखते हैं तो आप ईश्वर से कैसे चाहते हैं कि ईश्वर आपको कुछ देगा, गुरु आपको कुछ देगा,
पहले देना सीखना चाहिए व्यक्ति को। जब तक व्यक्ति देना नहीं सीखेगा तब तक उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ एक मैंने गायत्री मंत्र का जाप किया, दो माला किया, पांच माला किया, हमने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। आपने माँ गायत्री के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी एहसान नहीं किया है। हमारी बातें कड़वी जरूर होती हैं लेकिन सत्य होती हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। हमारे प्रसंग कहीं मिल सकते हैं जो हम प्रसंग सुनाते हैं, लेकिन उन प्रसंगों के माध्यम से जो हम व्याख्या देते हैं वो सिर्फ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हमारे विचार नहीं होते हैं, वो पूज्य गुरुदेव के विचार होते हैं। कई बार हम बता चुके हैं। तो यदि आप इन विचारों को आत्मसात करेंगे अपने जीवन में तो निश्चित रूप से बहुत सारी सिद्धियां आपको प्राप्त होगी, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। लेकिन वासना, तृष्णा, आशा और फिर जितने भी दरवाजे आप खोलते चले जाएंगे वहां सिर्फ आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तो एक बार दर्पण में अपने चेहरे को हर व्यक्ति को देखना चाहिए। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं और उनके भी यदि इस प्रकार के प्रश्न हैं तो उनके लिए वीडियो निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का सिंह कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।